कोर्ट से मिली अभिनव को परमिशन पर बोली श्वेता, कहा मैं खुश हूँ। हर जगह करते थे अभिनव श्वेता रेयांश को फॉलो। श्वेता पर किडनैपिंग तक का लगाया था आरोप। श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली का झगड़ा आए दिन हेडलाइंस क्रिएट करता रहता है। अभिनव अपने बेटे रेयांश से मिलने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इसी बीच श्वेता को झटका देने वाली एक खबर सामने आई। हाल ही में श्वेता के पति अभिनव कोहली को कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल अब कोर्ट ने अभिनव को अपने बेटे रेयांश से मिलने और बात करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अभिनव कोहली को सामान्य दिनों में आधे घंटे वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करने की अनुमति दी है। वहीं वीकेंड पर 2 घंटे मिलने के लिए भी समय दिया है। आपको बता दें कि अभिनव ने श्वेता पर यह आरोप लगाया था कि श्वेता एक बिजी एक्ट्रेस है और वो उनके बेटे का ख्याल अच्छी तरह से नहीं रख सकती। वहीं अब श्वेता ने कोर्ट के नए फैसले पर रिएक्ट किया है। श्वेता ने कहा, मुझे यही चाहिए था और सच कहूँ तो मैं इस जजमेंट से काफी खुश भी हूँ। इन लास्ट 2 साल में अभिनव ने मुझे हर जगह फॉलो किया है। ये मेरे और मेरे बच्चे के लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग था। मैंने कभी रेयांश को अभिनव से बात करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे बैड मदर का टैग दे दिया। उन्होंने मुझ पर रेयांश को किडनैप करने तक का आरोप लगा दिया। वेल, आपका क्या कहना है श्वेता के स्टेटमेंट पर और कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? इस पॉपुलर एक्ट्रेस को लगा झटका। एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड को मिली जीत। बेटे की कस्टडी में मिली हिस्सेदारी। दोनों ने एक दूसरे पर लगाए थे बड़े इल्जाम। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी बीच श्वेता को झटका देने वाली एक खबर सामने आई है। हाल ही में श्वेता के पति अभिनव कोहली को कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल अब कोर्ट ने अभिनव को अपने बेटे रेयांश से मिलने और बात करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि काफी वक्त से अभिनव अपने बेटे को मिल नहीं पा रहे थे। ऐसे में बेटे से मिलने की अनुमति मिलने के बाद अभिनव काफी खुश है और उन्होंने इस अहम फैसले के लिए कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्ट की माने तो अभिनव को राहत देते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि वो सामान्य दिनों में आधे घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर सकते हैं। वहीं वीकेंड पर 2 घंटे मिलने के लिए भी समय दिया है। अभिनव ने दिसंबर महीने में पत्नी और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। अभिनव ने आरोप लगाया था कि श्वेता उनके अपने बच्चे से मिलने नहीं देती है। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोनों अपने बेटे की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट में लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि हमारा विश्वास है कि कपल बेटे के लिए सही फर्ज निभाएगा। अभिनव ने भी इसके लिए हामी भरी है। अभिनव ने कहा है कि ये मेरे लिए राहत की खबर है। बीते काफी वक्त से मैं इसलिए लड़ रहा था। अब श्वेता और अभिनव के बीच कौन सही क्या गलत, ये तो हम नहीं जानते हैं, पर उम्मीद करते हैं कि बेटे रेयांश पर इसका कोई बुरा असर ना हो। टेलीविजन से जुड़ी सारी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे टेली मसाला और फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।